तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है चित्रकूट से, जहां पर आपको बता दें राम भद्राचार्य जी ने मतदान किया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने भी अपने मत का प्रयोग किया चित्रकूट से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मतदान किया एमपी की चित्रकूट विधानसभा 61 से, जहां पर मतदान किया गया है राम भद्राचार्य जी की ओर से। सदगुरु पब्लिक स्कूल मतदान क्रमांक 78 पर ये मतदान किया। पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य का बयान भी इस दौरान सामने आया है। तो मतदान करने के बाद उन्होंने बयान भी दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सब लोग वोट करें, जो राम का भक्त हो, सनातन का भक्त हो, उसको वोट करना चाहिए। तो राम भद्राचार्य जी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चित्रकूट में उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तो मतदान करते हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य, और इस दौरान उन्होंने वोट करने के बाद यह भी कहा है कि एमपी में कमल खिलेगा। तो उनका बयान भी सामने आ चुका है, सभी लोग वोट करें, जो राम का भक्त हो, सनातन का भक्त हो, वोट करें। जगत गुरु का बयान ये सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मतदान उतना ही अनिवार्य है जितना कि स्वास्थ्य अनिवार्य है। और उन्होंने मतदान करने के बाद क्या कुछ कहा है अपने बयान में, एक बार आपको सुनवा देते हैं। बस सब लोग वोट का प्रयोग करें, और जो राष्ट्रभक्त हो, राम भक्त हो, उसको वोट दें। क्या लग रहा है कि कमलनाथ खिलेंगे कि कमल खिलेगा? ये सब बात तुमको नहीं, आज नहीं करनी चाहिए। कमल खिलेगा, जाओ। गुरुदेव, मतदान कितना अनिवार्य है? अत्यंत, जितना स्वास्थ्य अनिवार्य है उतना अनिवार्य है। तो क्या लगता है गुरु जी, अभी और क्या मध्य प्रदेश में काम होने जरूरी, जो पिछली 5 साल सरकार रही है, तो इस बार क्या काम होने अभी, अभी आज तो सब कुछ छोड़ चुका, प्रचार सब नहीं करने चाहिए। आप किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया आपने, क्या सोचा चित्रकूट के विकास राम जी को लेकर, राम को लेकर, राष्ट्र को लेकर, चित्रकूट के विकास को लेकर, सनातन धर्म की रक्षा को लेकर? तो यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चित्रकूट से राम भद्राचार्य जी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। और उन्होंने अपने बयान में कहा है मतदान करने के बाद कि एमपी में कमल खिलने वाला है। तो लगातार एमपी में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव, यानी कि आज 17 नवंबर को वोटिंग हो रही है, लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में अब तक की बात करें तो यहां पर 27.62% वोट हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ नजर आ रहे हैं, और लोगों से वोट करने की अपील भी मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। तो जहां पर बुंदी सीट से सीएम भी दावेदार हैं, और यहां पर कमलनाथ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर उनकी ओर से भी मतदान किया गया है। एमपी की सभी 230 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। तो एक तरफ जहां पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच में कड़ा मुकाबला है, तो वहीं एमपी में भी कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान कड़े मुकाबले में देखे जा रहे हैं। तो यहां पर ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से बिलासपुर संवाददाता